हाँ तो बाबू कैसा लग रहा है अपने झरने से घूम के आ रहे तो थोड़ा बताओ यार। बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ गया। चलो यार दादी ने भी कह दी मजा आ गया। और भाई को भेजो, कैसे तुम हो? सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम मौजूद है अजमेर शरीफ के मशहूर जंगल के अंदर, और ये बीचम बीच की जो पहाड़ी है ताड़ागढ़ पहाड़ी, उसी के बीच में ये जंगल है जो काफ़ी मशहूर है अजमेर शरीफ का, और इसे ताकसित के नाम से भी जानते हैं। और ये इतना घना जंगल है कि यहाँ पर पैंथर भी देखे जा चुके हैं पहले, अभी फिलहाल है ही नहीं, बाकी पहले देखे जा रहे थे तो पकड़े गए वो तो वैसे। और अभी हम मौजूद है जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये काफ़ी घने जंगलों के बीचम बीच, और यहाँ पर एक ऐसी बावड़ी है जिसे करामती बावड़ी कहते हैं। तो आइए वो बावड़ी भी आपको दिखाते हैं, और इस बावड़ी के पीछे भी एक अल्लाह के वली की करामती मज़ारे मुबारक है, उसके भी हम आपको दीदार कराएंगे। और वो जो मज़ारे मुबारक है उसे नूर अली शाह बाबा के नाम से जाना जाता है। तो अभी चलते हैं इस बावड़ी के नीचे, और ये देखिए आप किस तरह से ये बावड़ी जो है भरी हुई नज़र आती है आपको, और यहाँ का जो पानी वो कभी सूखता नहीं है। तो चलते हैं अब नीचे, और नीचे से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ज़्यादा अपन नीचे उतर नहीं सकते, यहाँ पर पूरा सीढ़ी तक पानी है। तो अपन दूर से आपको दिखा रही है पूरा जो बावड़ी का पानी है। तो अब कैमरा घुमाते हैं और पूरा यहाँ कैसा नज़ारा रहता है वो भी दिखाते हैं इस बावड़ी का, और जो इसके पीछे मज़ारे मुबारक है उसके भी आपको दीदार कराते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि घने जंगलों के बीच में एक ऐसी रहस्यमंद बावड़ी है जिसके मैं आपको अभी यहाँ का दीदार करा रहा हूँ। आप देखें ये जगह, और पहले ये इस बावड़ी का पानी एक सीढ़ी कम था, अभी दो सीढ़ी ज़्यादा ऊँचा हो गया पानी। और आप देख सकते हैं ये पूरा पानी किस कदर यहाँ पर इस तरह से भरा हुआ हमेशा रहता है, इसी हमारे इसे करामती बावड़ी के नाम से भी लोग जानते हैं। और ये अजमेर शरीफ के अंदर है, और इसके पीछे की तरफ आप दिखाएंगे हम आपको जो मज़ारे मुबारक है, इसके पीछे ठीक मज़ारे मुबारक है नूर अली शाह की, उसके भी हम दीदार करेंगे। तो ये करामती बावड़ी थी, और इसके पीछे करामती मज़ारे मुबारक भी है। करामत यहाँ की यह है कि जैसे कि इस बावड़ी का पानी कभी कम नहीं होता है, और जो भी उस मज़ारे मुबारक पर आके अपने अकीदे से और सच्चे दिल से जो भी मांगता है उसको मिलता है। तो अब चलते हैं और आपको वो मज़ारे मुबारक भी दिखाते हैं और उसके दीदार भी कराते हैं। तो दोस्तों अभी हम बावड़ी की तरफ से आ गए सीधे सीधे, और अभी यहाँ से चलते अंदर नूर अली शाह बाबा की मज़ारे मुबारक में, और फिर अंदर से आपको दीदार कराते हैं। तो ये रास्ता अंदर जाने का जो गेट है आप देख सकते हैं, और यहाँ से अपन आ गए अभी अंदर, और यही है वो करामती मज़ारे मुबारक जिसे कि नूर अली शाह बाबा के नाम से जाना जाता है अजमेर शरीफ में। और यहाँ की बहुत करामत है, अगर हम जितनी बतावें उतनी कम है। एक बार आप इधर आवे और अपने अकीदत से मन्नत यहाँ पर मांगे, इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी मन्नत मुराद होगी वो कबूल होगी। तो ये नूर अली शाह बाबा की मज़ारे मुबारक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चिराग रोशन करने का है। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर हर जुमेरात को यहाँ के लोकल लोग और कुछ जो मेहमान ज़ायरीन हैं जिन्हें पता है वो आके यहाँ पर चिराग रोशन करते हैं। और माशाल्लाह ये नूर अली शाह बाबा की मज़ारे मुबारक के मैंने आपको दीदार करा दी है, बड़ी खूबसूरत बनी हुई है इधर पर जैसे कि आप देख सकते हैं। और पीछे की साइड देखेंगे तो करामती बावड़ी है, आप जैसे कि मैं आपको लेके गया था पीछे के रास्ते से, तो वहाँ पर वो बावड़ी है जो कभी पानी सूखता नहीं है। तो यहाँ का ये व्यू था दोस्तों, तब चलते हैं बाहर। और दोस्तों यहाँ पर जो मज़ारे मुबारक की देखभाल करते हैं खिदमत गुजार जो यहाँ पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चाचा बैठे हुए हैं, और जो भी ज़ायरीन इस रस्ते से आते हैं तो उन्हें वो रास्ता ही बताते हैं, और जो यहाँ पर नूर अली शाह बाबा की मज़ारे मुबारक है उनके वो दीदार भी करवाते हैं। तो इनसे हम जानेंगे इन बाबा की करामतें यहाँ पर, और ये बाबा यहाँ पर कब से है। और उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर ये पीछे की तरफ देखेंगे तो किस कदर यहाँ पर आपको बंदर नज़र आएंगे, पर ये बंदर नुकसान नहीं पहुँचाते। अगर आपके हाथ में खाना पीने का सामान है तो आपसे वो छीन लेंगे, बाकी आपको नुकसान नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी तादाद में आपको बंदर भी नज़र आ जाएंगे यहाँ पर। और अभी यहाँ चाचा बैठे हुए जो यहाँ की खिदमत करते हैं उनसे भी हम थोड़ा पूछेंगे यहाँ के बारे में। तो आइए पहले उनसे पूछ लेते अपन। जी चाचा बताइए, यहाँ पर ये जो मज़ारे मुबारक है इनके बारे में कुछ बताइए, जो नूर अली शाह बाबा है उनके। नूर अली शाह बाबा हैं, इनकी जंग हुई थी तो ये शहीद हो गए थे, यहाँ पर गर्दन कटी थी, पीछे जहाँ पे इनकी गर्दन गिरी है तो वहाँ से ये चश्मा निकलता है पानी का, तो उस चश्मे का नाम है नूर चश्मा। परियो, हाँ परियो का भी अखाड़ा रहता है, जल परियो रहती हैं इसके अंदर। और अंदर चल के ये बगीचा है, बगीचे के अंदर एक बाबा ने 60 साल इबादत करी है।
क्या बात कर दी, 60 साल, 60 साल, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप यहाँ से अंदर जाइए और गेट खोल के अंदर अंदर का भी ले जाइए फोटो बाबा का। और जैसा कि मैंने यहाँ पर सुना भी हूँ, यहाँ पर लोग हर जुमेरात को चिराग रोशन करने के लिए आते हैं, तो ये मतलब आते हैं लोग यहाँ पर इतनी दूर? लोग तो यहाँ पे रोज आना आते हैं, रोज की तारीख में आते हैं, लेकिन यहाँ हम तो यहाँ पे 12 महीने रहते हैं इस जंगल में। अच्छा, रात और दिन यहीं पर रहते हैं बाबा की खिदमत में, और मैं इस पूरे जंगल में अकेला रहता हूँ रात को यहाँ पे। जी जी जी, बहुत बड़ी बात है जो इतने बड़े जंगल में आप अकेले रह के ध्यान रखते हो। बस ख्वाजा गरीब नवाज का करम है, नूर शाह बाबा का करम है। अच्छा चाचा, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद कफील कुरैशी। जी, तो देख लिया आपने, चाचा ने भी बड़ी खूबसूरत तरीके से हमें पूरी जानकारी दी यहाँ के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेहमान जायरीन आए किस कदर बंदरों को खिला रहे हैं। मत खाओ, खाली तुम मत खाओ, और भाई को भेजो। कैसे तुम हो? चलो लो। अरे एक ही में कितना भरोगे तुम? अरे तुम ही खाली खाओगे। नहीं नहीं, गलत बात। तो इस अकेले ने काफी सारे बिस्कुट मुंह में दबा लिए। गलत बात। और यहाँ पर ये जो देख सकते हैं भाई खिला रहे हैं अभी, और ये बड़ा शरारती बंदर है। अभी यहाँ पर आए तो इनके लिए जरूर कुछ लाए। बेजुबान ले, ले मुन्ना, ले पास में ले जाओ, ले क्या खिलाओ खिलाओ। छोटे वाले को दीजिए, मुझे लो। छोटू छोटू, कहाँ थे इतना देर से खिला रहा था? तो हाथ से खाइए। अरे हमें डर लग रहा है, खाली तुम ही खाओगे। और आओ, आओ साथी लोग, और आओ आओ लो। चलिए अकेले पे कब्जा कर लिया इन्होंने। तो दोस्तों यहाँ पर ये बंदर है, देख सकते हैं यहाँ पर काफी बंदर आ गए। ब्रेड अपन खिलाएंगे इनको। रुक जाओ, अभी मत जाना, अभी मत जाना। ये देखिए आप कितने सारे आ गए। तो ऐसे ही आप भी यहाँ पर आए, इन बंदरों को इस तरह से ब्रेड जो आपको खिलाना हो खिला सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हमने एक पैकेट लेके आए, तो अभी और इनको थोड़ा खिलाते हैं अपन। तो ये आप देखे दोस्तों, ये ब्रेड अपन ने ले लिया, और अभी पर भी है, और यहाँ पर एक अभी ये छोटा सा है, ले मेरे दोस्त। तो ये आप देखें। तो अभी चलते हैं इसी रास्ते से आगे की तरफ। वहाँ पर आगे की तरफ जैसे एक बड़ा झरना है, और काफ़ी समय बाद वहाँ पर जो है, जब बारिश अजमेर शरीफ में जब बारिश हुई थी, तो उसके बाद वहाँ से जो है झरना काफ़ी तेज में बह रहा है। तो वहाँ का भी कैसा एक मंजर रहेगा वो भी हम बताएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद वहाँ पर झरना बह रहा है पानी का, तो किस कदर बह रहा है और कितने लोग हैं वहाँ पर जो इन्जॉय कर रहे हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे, और आगे किस तरह का नज़ारा भी देखने को मिला है वो भी बताते चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कुछ मेहमान जो ज़ायरीन हैं वो वहाँ पर झरने की तरफ से होते हुए आ रहे हैं। तो आइए इनसे भी पूछते हैं कि भाई आप जब वहाँ से आए तो कैसा लग रहा है। हाँ भाई, आप झरने की तरफ से आ रहे हैं, तो आपको कैसा अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। झरना कितना तेज बह रहा होगा उधर पे? बहुत, काफी स्पीड है, बढ़िया है। अच्छा, आप अपने परिवार के साथ आए हो? यस। तो देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है, और साथ में इनके रिश्तेदार भी है, घर वाले भी है, फुल एंजॉय करके आ रहे। तो अपन भी चलते अब आगे। हाँ तो बाबू, कैसा लग रहा है अपन झरने से घूम के आ रहे, तो थोड़ा बताओ यार। बहुत मस्त लग रहा है, मजा आ गया। चलो, दादी ने भी कह दी मजा आ गया। चलो अब अपन भी चलते हैं, मजे करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। दोस्तों हम ये भी यहाँ से सीधा सीधा रास्ते से आ चुके आगे की तरफ। और एक चीज़ और बता दूँ, अजमेर शरीफ का जो मशहूर जंगल है, उसी जंगल के अंदर एक ऐसी रहस्यमय गुफा है जिसे के शेर के नाम से काफ़ी मशहूर है अजमेर शरीफ में। और आप सामने की तरफ देख सकते हैं, ये जो गुफा है ये शेर की गुफा के नाम से अजमेर शरीफ में काफ़ी मशहूर है। और आप देख सकते हैं आपको दूर से भी कैसी लग रही होगी गुफा, तो इसे शेर की गुफा इसी मारे कहते हैं। पहले काफ़ी पहले जो है देखे गए थे इधर पे शेर, तो इसी मारे इसको घोषित कर दिया गया था कि शेरी गुफा। बाकी हाँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पर कोई भी शेर, कोई भी पैंथर यहाँ पर है नहीं,
बाकी यहाँ सांप वगैरह, मोर, हिरन यहाँ पर काफ़ी तादाद में आपको नज़र आ जाएंगे। और ये देखिए आप गुफा काफ़ी किस कदर से जो है ड्रावनी दिख रही होगी। तो ये पूरा नज़ारा है जंगल का ये। तो अभी चलेंगे दोस्तों आगे की तरफ, तो चलिए आप आगे मिलते और आगे का भी कैसा नज़ारा देखने को मिलेगा वो भी आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये वही झरना बह रहा है जैसे कि पहाड़ी इलाकों का पानी होते हुए देख सकते हैं। यहाँ से इस कदर जो है झरना के मुँह में तैर रहा है, ये देखें ये झरने की तरह जा रहा है आगे की तरफ। और नीचे बावड़ी है, वहीं पर ये पानी झरने की तरह जाके बावड़ी में जमा हो जा रहा है। और नीचे काफ़ी लोग हैं जो इस झरने का फुल आनंद उठा रहे हैं क्योंकि अजमेर शरीफ में ये झरना काफ़ी टाइम बाद बहता हुआ दिखा है यहाँ पर लोकल जायरीनों को। इसी मारे लोग बाग आके इधर पे झरने का फुल इंजॉय ले रहे हैं। तो अभी नीचे भी चलेंगे, नीचे से भी आपको ये झरने का नज़ारा कराएंगे। तो मिलते हैं अब आपको नीचे। तो दोस्तों हम रोटी रानी का महल के नीचे जो एक गुफा टाइप रास्ता बना हुआ है, काफ़ी रहस्यमय है ये भी, वहीं से हम अभी नीचे आ चुके हैं। और आप ये रास्ता देख सकते हैं काफ़ी भूलभुलैया रास्ता है ये, और कोई भी अगर आता है वो ऊपर ही देख पाता है, नीचे का रास्ता उसको मिल नहीं पाता है। तो इसी मारे ये रोटी रानी के महल के नीचे एक गुफा टाइप रास्ता बना हुआ है अंडरग्राउंड, वहीं से हम अभी नीचे की तरफ चल रहे हैं, ये देखिए आप। तो चलते हैं अब यहाँ से नीचे की तरफ। अभी आप देख सकते हैं हम इसी गुफा से होते हुए आ चुके हैं झरने के ठीक सामने। यही वो झरना है जो काफ़ी टाइम बाद अजमेर शरीफ के जंगलों में बहता हुआ देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो अब चलते हैं अब नीचे की तरफ। तो अभी देख सकते हैं ये जो झरना है काफ़ी टाइम बाद इस तरह से बहता हुआ सबको देखने को मिला है। तो यहाँ पर काफ़ी तादाद में और काफ़ी संख्याओं में लोग यहाँ पर इस झरने का आनंद उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और संडे के दिन के मौके पर तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर लोकल जायरीनों की भीड़ देखने को मिलती है। और आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत तरीके से ये झरना जो है बहता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चे भी है और बड़े भी है और किस कदर से जो है फुल एंजॉय कर रहे हैं झरने के नीचे। और ये काफ़ी तेज़ झरना बहता हुआ पहाड़ी इलाकों का पानी इस तरह से आ रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं बच्चे लोगों को भी काफ़ी जो है मज़ा आ रहा है और फुल एंजॉय कर रहे हैं। और काफ़ी तेज़ झरना भी आप देख रहे हैं किस कदर बह रहा है और लोग यहाँ पर खड़े होकर झरने के नीचे फुल एंजॉय कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद इस कदर जो है झरना बहता हुआ देखने को मिल रहा है अजमेर शरीफ में। तो लोग इसका फुल एंजॉय का फ़ायदा उठा रहे हैं। और आप भी अगर आते हैं अजमेर शरीफ तो ज़रूर इधर आए, आपको भी मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर देखिए फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी है बड़े भी है। तो दोस्तों मैं आपको काफ़ी नज़दीक से भी दिखा रहा हूँ ये व्यू झरने का किस कदर जो बहता हुआ आपको देखने को मिल रहा है, ये देखिए आप। और फुल एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर लोग। दोस्तों ये वही झरना था जो मैंने आपको दिखाया अजमेर शरीफ के अंदर किस कदर बहता हुआ काफ़ी टाइम बाद देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं और संडे के दिन के मौके पर भी यहाँ पर तादाद ज़्यादा जाती है। और ये पूरा देख सकते हैं नज़ारा पहाड़ी इलाकों का। और सामने ऊपर की तरफ आप देख रहे हो वो महल है रूठी रानी का महल,
और उसके नीचे जो गुफा थी जहाँ से रास्ता था निकल के आने का, वहाँ से हम आए थे अभी। और ये झरना आप देख सकते हैं खूबसूरत बहता हुआ। तो दोस्तों यहाँ के लोकल जो भाई अपने यहाँ पर मौजूद है झरने के पास में, अभी हम इनसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर आप जब इतने दिन बाद यहाँ पर ये झरना बहते हुए देख रहे हो तो कैसा लग रहा है आपको? तो जी भाई बताओ आप कैसा लग रहा है आपको ये झरना? मैंने कभी नहीं देखा ये झरना। और कितना टाइम हो गया झरने को देखे हुए आपको, जो इस बार देख रहे हो तो कैसा लग रहा है? मैं तो जब छोटा सा था अब देख रहा हूँ तो बहुत मजा आ रहा है। काफी अच्छा लग रहा है। तो जैसे कि भाई ने बता दिया है, वो भाई छोटे थे तो यहाँ पर उस समय झरना देखा था और अभी बड़े हो गए तो लगभग 5 साल के बाद मतलब ये झरना इनको देखने को मिल रहा है क्योंकि काफी टाइम भी हो गया। भाई इन भाई से ही पूछते हैं अपन, जो भाई अपने साथ में भी रहता है। भाई ये रूटी रानी का महल है, यहाँ आए घूमने शीशा खान के रहने वाले हैं। काफी अच्छा लग रहा है, झरना वगैरह बह रहा है यहाँ पे, सब लोग आ रहे हैं एंजॉय करने, बच्चे भी आए उनको भी काफी अच्छा लगा यहाँ पे। ये रूटी रानी का महल है, रूटी रानी के महल से जब से झरना चल रहा है काफी सालों बाद देखने को मिला है ये झरना। हम छोटे थे जब आया करते थे, अब जाके दिखाई है, बहुत अच्छा लगा, काफी पब्लिक आ रही है, अच्छा एंजॉय हो रहा है यहाँ। आप हमारे पीछे देख सकते हैं लेडीज महिला लेडीज लोग भी जो है यहाँ पर आ रहे हैं पीछे देख सकते हैं, और यहाँ पर हर लोग आते हैं एंजॉय करने के लिए। और यहाँ पर अपना छोटा भाई भी, इनसे भी पूछेंगे कैसा लग रहा है, बताओ। अच्छा लग रहा है, छोटे को भी अपने अच्छा लग रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें, और अजमेर शरीफ की काफी सारी हमारी बनाई हुई वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो चैनल पर जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ की वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके बताना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलेंगे आपको इसी के साथ एक और नई वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।